आ गया बड़ी मच्छी। राकेश भाई और दोस्तों देखो जल मेला है और ताकि जो मच्छियों को है ना दाना डाल चुके हैं और दाना कौन लेके आया? राकेश भाई, क्योंकि हर माह से ना यहीं पे आते हैं जल मेल। बिल्कुल। और ये हमारे क्या मीटिंग पॉइंट है। तो अब है ना खैर आधे घंटे बाद में आया आज राकेश भाई, कोई बात नहीं, लेकिन अपने अंदर क्या है सहन शक्ति है। अब क्या धूप हो रही है ना, तो फिर ट्रैफिक भी काफी तेज है। जैसे अभी लॉकडाउन के बाद एकदम से ट्रैफिक खुला है तो ट्रैफिक बहुत तेज है, तो इसलिए टाइम लग ही जाता है। और धूप तो ना चरम पे है भैया, 12 बज चुके हैं ना, और डायलॉग बोले नहीं, अभी 12 बजने में 1 मिनट का मौका है ना। चल रहे ना देख लेते भाई। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम भाई हो, कैम जो मजा में आपा भी बहुत मजा में भाई लोग। और अब चलते देखते हैं कहाँ चलते हैं, अभी कोई प्रोग्राम बना नहीं है, जाना कहाँ है। दोस्तों ये है दिल्ली रोड, और दिल्ली रोड पे नाहरगढ़ प्राणी उद्यान, मतलब जैविक उद्यान जो है वो इधर से है। ये बोर्ड लगा हुआ है, और ये नाहरगढ़ जैविक उद्यान का ये बोर्ड लगा हुआ है। इधर से अंदर जाना है, और चलेंगे कहाँ, वो भूतेश्वर महादेव जी के लिए। भूतेश्वर महादेव, ठीक है चलो। ये नारगढ़ जैविक उद्यान चिड़ियाघर, और ये इधर से जा रहा रास्ता। और ये देखो ये जंगल है, और ये सामने नारगढ़ रेस्क्यू सेंटर, वन्य जीवों को खाद्य सामग्री नहीं डाले तो इसका पालन करना है आपको। और इधर से जा रहा है ना ये रास्ता, बताया ना ये रास्ता जा रहा है भूतेश्वर महादेव, जहाँ यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर है। और बस, और दोस्तों देखो प्रोग्राम क्या है, थोड़ा चेंज कर दिए कि भैया ये है ना वन विभाग क्षेत्र में आता है, और भैया आगे कोई फॉरेस्ट वाले मिल जाए तो हो सकता है भाई कोई चालान भी बना दे अपना। और जैसे मैंने मना कर दिया उन्होंने अभी जाने के लिए, अभी जो चौकी पे हमने बात की थी, जो उस जगह बताए थे ना अभी आपको, तो वहाँ पे क्या है वो भैया बोल रहे हैं भैया जा तो सकते हो लेकिन आपके रिस्क पे जाओ अंदर, वन विभाग वाले अगर मान लो पुलिस वाले मिल जाए तो चालान भी बना सकते हैं, तो बाकी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, तो कहीं गाड़ी वाड़ी जब्त कर दे यार अभी। बिल्कुल। नहीं तो देखते हैं आगे, अगर हो सका तो कंटिन्यू कर देंगे, नहीं तो फिर ठीक है। राकेश भाई ने यहाँ से जो फ्रिज लगा हुआ है यहाँ से पानी भरा, बिल्कुल चिल्ड पानी। और अभी फिर भैया से बात हुई, बता रहे कि भैया कम से कम 10,000 रुपये तक का चालान। अभी तो बैठ के आए यार, क्या ठंडी होगी, तो चलते हैं। जग बदला, जज्बात बदले, और बदल गई सारी दुनिया, तो कुछ ऐसा ही हो दोस्तों हमारे साथ। अब जब वहाँ गए ना महादेव जी के दर्शन करने के लिए, तो काफी दिन से, अब आपको ध्यान है देखो कोरोना काल चल रहा है, तो इसके अंदर कहीं ज्यादा आ जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम जलमहल गए जैसे आपने देखा, फिर वहां से हमने देखा कि महादेव जी के दर्शन करके आते हैं जो कि जंगल के अंदर ही है, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वजह से हम वहाँ से वापस आए। और ये क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि कोई भी रिस्क ले, और देखो गवर्नमेंट जो है उसका रूल्स का भी है ना पालन करना है, तो हमने देखा कि भीड़ भाड़ सिटी के अलावा अपन थोड़ा बाहर चलते हैं,
ताकि जो प्राकृतिक है उसकी तो बात ही अलग है। बस वही चीज़ हम देखने के लिए गए थे कि भगवान जी के दर्शन भी कर लें। एक दिन जाएंगे वापस जरूर और वहाँ की वीडियो बनाएंगे। अब भोले बाबा महादेव की इच्छा नहीं थी इसलिए दर्शन करके नहीं आए।